हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि इसमें मैं लिबनीज थ्योरम को प्रूफ कराने जा रहा हूँ। आइए लिबनीज थ्योरम को प्रूफ करते हैं और थोड़ा फील करते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस वीडियो में। प्रूफ कैसे किया जाता है, सपोज कीजिए कि हम दो तो फंक्शन मानते हैं। क्या मानते हैं? दो फंक्शन मानते हैं। और दो फंक्शनों को मानकर जैसे हम यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट y इक्वल टू हम u इंटू भी, दो फंक्शन मान रहे हैं। अब यही दो फंक्शन को हमें सॉल्व करके यहां तक लाना है। तो जैसे हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जब इसे आप प्रूफ कीजिएगा तो पहला यहाँ पे देखिए u और v दो फंक्शन हम ले रहे हैं। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करते चले जा रहे हैं। तो पहला बार जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, u और v दो आएगा। U वाले टर्म को पहले लिखना है और V वाले टर्म को बाद में लिखना है। इसका सेंस क्या है, अभी हम सॉल्व करते हैं तब समझाते हैं। हम कह रहे हैं कि U वाला जो टर्म आएगा उसे आप पहले लिखिएगा और जो V वाला टर्म आएगा उसे बाद में लिखिएगा। अब चेक करते हैं, पहला इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, पहला U इंटू V1 प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफ्रेंसिएशन, क्लियर है? लेकिन मैंने अभी क्या बोला, पहला फिर U, जो देखिए U पहले होना चाहिए यानी U1 into V होगा, ठीक है? ये आपका क्या है Y1। अब देखो Y2 क्या होगा, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से अब इसमें चलिए, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, क्लियर है? अब हम क्या बोले कि जो U वाला टर्म, जो U और V आगे पीछे है उसको U को पहले लिखिए, V को बाद में लिखिए। बोलिए U V2 प्लस U1 V1 प्लस U1 V1 प्लस U2 V है, क्लियर है? यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, U2 V2 और 2 U1 V1 प्लस U2 V नजर आया। तो Y2 मेरा क्या आ गया जी, Y2 मेरा ये आ गया, Y1 मेरा क्या है, तो ये है। अब एक चीज और चेक कीजिए, जब हम Y3 निकाल रहे होंगे, Y3 आप जब निकालिएगा तो फिर इसका डिफरेंशिएट कीजिए, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, U V3 हो जाएगा ना, फिर दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अब यहाँ पे चेक कीजिए, दो फिर ब्रैकेट में लग जाएगा, अरे भाई U1 V1 है तो पहला फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन और फिर दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, भाई पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, क्लियर है? प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन और फिर पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरा फिर पहले का डिफरेंशिएशन, क्लियर है? यहां तक भी आपकी बातें क्लियर होगी, ठीक है? क्या आप मुझे क्लियर देख पा रही हैं? हाँ सर, मैं क्लियर देख पा रहा हूँ, चलो ठीक है। अब फिर देखो, चेक करो हमने क्या बोला, हम क्या बोले भैया कि जो U वाले टर्म है उसे पहले लिख लीजिए, तो U1 V2 प्लस, देखिए 2U1 V1 है, 2U1 V2 है और 2U2 V1 है और 2U2 V1 और प्लस V, सॉरी पहले U वाले टर्म को लिखना है, U3 V है। एक चीज और चेक करते हैं U V3 है, U1 V2 यानी 3 U1 V2 हो जा रहा है। और एक चीज और चेक कीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए U2 V1 यानी 3 U2 V1 हो जा रहा है प्लस U3 V है। यहाँ तक भी बात आपकी क्लियर होगी? हाँ सर क्लियर है। अब बताइए आगे, मुझे प्रूफ करके ये चीज लाना है। हमने 3 times तो निकाल लिया, 3 बार, हाँ जी 3 बार तो निकाल लिए हैं, लेकिन अब करें सर कैसे। मुझे एक चीज लाना है, n-2 V2 और
इसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्या? इसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्या? कुछ आएगा? हाँ सर आएगा, चेक कीजिए। u v3 प्लस 3 u2 v1 प्लस 3 u1 v2 प्लस u3 v, ठीक है। अब एक चीज और यहां से देखने का प्रयास कीजिएगा, यहां से एक चीज और देखने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, और इसी को हम nth बना रहे हैं। यहां तक मैंने 3 तक इसका डिफरेंशिएट कर रखा है। अब देखिए इसका nthवां डेरिवेटिव मुझे निकालना है, यानी yn, yn। तो yn निकालने के लिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, हाँ जी देखिए इसको भी आगे पीछे कर लेते हैं हमारा। पहले अब यहां से थोड़ा सा पहले लिख ही लेते हैं तब समझ आएगा। y3 जो है u u v3 है, तो ऐसा करो ना कि इसको इसको पहले लिख लेते हैं इसको बाद में, तो u3 v हो जाएगा और प्लस 3 u2 v1 और प्लस 3 u1 v2 और प्लस u v3। इसको लिखने से अच्छा क्या हुआ, क्योंकि देखिए ये वाला जो फार्मूला है उसे हम आराम से बना सकते हैं। तो जब nth इसका निकालेंगे, nthवां टर्म तो कैसे निकालेंगे चेक कीजिएगा। जब देखिए u यहाँ पे un है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे un होगा, अरे होगा बोलो, यहाँ पे v है तो v के जगह पे सेम का सेम, ठीक। यहाँ पे मेरा n है तो यहाँ पे 3 है, तो 3 के जगह पे क्या रखेंगे, n रखेंगे। अब u, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे देखिए n माइनस वन, अरे यार क्यों 2 है, n n के जगह पे 3, n के जगह पे जब आप 3 रखेंगे और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, वही चीज यहाँ पे 2 है और v1 जस का तस है, अरे देखो प्लस। अब देखना आगे थोड़ा सा, ये तुम देख रहे हो 3, जानते हो ये जो आपका है, अब यहाँ पे n n के जगह पे, अब ये देखो यार यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, 3 में कुछ ऐसा कर लें क्या, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे फैक्टोरियल 2, भाई 2 से मैंने क्या किया है, सॉरी यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा, तब तो यहाँ पे 2 आएगा यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक चीज कर लें क्या, एक चीज कर लें क्या, देखो 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे, 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या हो जाएगा n n माइनस वन और यहाँ पे n, क्योंकि जब 2 से 2 तक कट जाएगा तो हम यहाँ पे देखिए n लिखेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, लास्ट में n बच रहा है, तो क्या हम इसके जगह पे n n माइनस वन बाई फैक्टोरियल n लिख सकते हैं क्या, बाई फैक्टोरियल n सॉरी फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं क्या, बोलो बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो फिर यहाँ पे चेक करो, u n माइनस टू है, n माइनस टू है तो भाई n यहाँ पे तो बिल्कुल लिखा जा सकता है यार, n टू n माइनस टू, भाई साहब जो आपका 3 है तो 3 में से 2 माइनस करोगे तब ना 1 आएगा और वी टू तुम्हारा जस का तस है, प्लस डॉट 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 क्या होगा, लास्ट में ये वाला टर्म है, लास्ट में मेरा ये वाला टर्म है, मान लीजिए u v3, ठीक है मेरा लास्ट में ये वाला टर्म, ठीक है तो u अब लास्ट में v और यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा आपका, यन हो जाएगा। तो मेरा यहां से ये वाला आराम से प्रूफ होकर आ जाता है। लिबनीज थ्योरम को बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है, हम इस तरह से लिबनीज थ्योरम को बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप लोग को ये लिबनीज थ्योरम काफी अच्छे से समझ में आया होगा, लगता है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसका फीडबैक मुझे जरूर दें कि क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं हमसे, या कुछ कमियां हो रही हैं तो कुछ बताइए जिससे कि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सही कर सकूं। यदि अच्छा लगता हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों तक, और जितने भी फ्रेंड सर्कल में हो सके वहां तक अपने शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।